गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम साइंस का चैप्टर सेकंड रीड करेंगे, हैबिटेट्स ऑफ एनिमल्स। हैबिटेट्स होता है वास स्थल, यानी कि जहां पे जानवर रहते हैं। डिफरेंट एनिमल्स लिव इन डिफरेंट प्लेसेस, विभिन्न प्रकार के जानवर विभिन्न प्रकार के स्थानों पर रहते हैं। ए हैबिटेट इज ए स्पेशल प्लेस वेयर ए प्लांट और एनिमल लिव्स। एक वास ऐसी स्पेशल जगह है जहां पर कोई पौधा और जानवर रहता है। लाइक ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स ऑल्सो नीड फूड, एयर, वाटर एंड शेल्टर वेयर दे एंड देयर यंग वंस कैन लिव सेफली। मानव जाति की तरह जानवरों को भी भोजन, हवा, पानी और आश्रय स्थल की आवश्यकता होती है, जहां वे और उनके बच्चे सुरक्षा के साथ रह सकें। ओके, सम एनिमल्स नीड ए लार्ज एरिया लाइक ए लोयन। कुछ जानवरों को बहुत बड़ा स्थान चाहिए, जैसे कि शेर, वाइल सम नीड स्मॉल एरिया लाइक ए रैबिट। लेकिन दूसरी तरफ कुछ को छोटी सी जगह चाहिए, जैसे कि खरगोश। डिफरेंट एनिमल्स नीड डिफरेंट हैबिटेट्स। अलग अलग जानवरों को अलग अलग आश्रय स्थल चाहिए, रहने की जगह चाहिए। ए फिश फॉर एग्जाम्पल नीड्स क्लीन वॉटर टू लिव। एक मछली को रहने के लिए साफ पानी चाहिए। ए ग्रास होपर हाउ एवर नीड्स ए बिग स्पेस वेयर इट कैन होप एंड गेट लीव्स टू ईट। ग्रास होपर होता है टिड्डी। एक टिड्डी को बहुत बड़ा स्पेस चाहिए रहने के लिए, जहां वो फुदक सके और उसे खाने के लिए लीव्स होती पत्तियां मिल सके। नेक्स्ट, देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स ऑन अर्थ सच एज फॉरेस्ट, डेजर्ट, माउंटेन, पोलर रीजन, ओशन एंड फ्रेश वॉटर। हमारी पृथ्वी पर अलग अलग प्रकार के वास स्थल हैं, जैसे फॉरेस्ट होता है जंगल, डेजर्ट होता है रेगिस्तान, माउंटेन पर्वत, पोलर रीजन होते हैं ध्रुवीय क्षेत्र, ओशियन सागर एंड फ्रेश वाटर ताजा पानी। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स एंड देयर हैबिटेट्स। स्थलीय जीव, टेरेस्ट्रियल जो धरती पर रहते हैं, स्थलीय जीव और उनके आश्रय स्थल। एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। जो जानवर जमीन पर रहते हैं उन्हें स्थलीय जानवर कहते हैं, सच एज लोयन, बियर, जिराफ एटेक्स्ट्रा, जैसे कि शेर, भालू, जिराफ आदि। द फोर डिफरेंट टाइप ऑफ हैबिटेट्स ऑफ टेरेस्ट्रियल एनिमल्स आर। इन स्थलीय जीवों के आश्रय स्थल के चार प्रकार बताए हैं। फर्स्ट है हमारा फॉरेस्ट, जंगल। फॉरेस्ट आर होम टू 80% ऑफ टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। स्थलीय जीवों के लिए जंगल 80% रहने का घर है। एनिमल्स लाइक लोयन, टाइगर एंड बियर लिव इन केव्स। जानवर जैसे कि शेर, चीता और भालू गुफाओं में रहते हैं। वाइल सम एनिमल्स लाइक मंकीज एंड बर्ड्स लिव ऑन ट्रीज। लेकिन कुछ जानवर जैसे बंदर और पक्षी पेड़ों पर रहते हैं। सम एनिमल्स मेक अंडरग्राउंड ब्यूरोज इन द फॉरेस्ट फ्लोर लाइक रैबिट, स्नेक, अर्थवर्म एंड रैट। जैसे कुछ जानवर खरगोश, सांप, कीड़े और चूहे जंगल में मादों के लिए अपना घर बनाते हैं। डेजर्ट्स, डेजर्ट्स क्या होते हैं? रेगिस्तान। इट इज हार्ड टू फाइंड वाटर इन डेजर्ट, सच एज एरिया इज ड्राई, सैंडी एंड रिसीव्स वेरी लिटिल रेनफॉल। रेगिस्तान में पानी मिलना बहुत मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि एरिया, ये जो जगह है वो ड्राई होती है, सूखी, सैंडी होती है, रेतीली, और वेरी लिटिल रेनफॉल मतलब वहां पे बारिश बहुत कम होती है। इट इज यूजुअली वेरी हॉट ड्यूरिंग द डे। ये दिन में जगह बहुत गर्म होती है एंड कोल्ड ड्यूरिंग द नाइट, और रात में ये रेगिस्तान बहुत ठंडे हो जाते हैं। एनिमल्स लाइक कैमल्स दैट लिव इन डेजर्ट हैव इवॉल्व्ड टू सर्वाइव द हर्श एंड स्कर्स वाटर कंडीशन। ऐसी कंडीशन में जिसमें कि जीना बहुत कठिन और दुर्लभ हो जाता है, फिर भी ऊंट अपने आप को उसमें ढाल लेते हैं। जैसे रेगिस्तान में जो ऊंट होता है वो बिना पानी के भी रेगिस्तान में जी सकता है। माउंटेन्स, पर्वत। द टेम्परेचर ऑन द माउंटेन टॉप इज वेरी लो। माउंटेन का जो तापमान होता है, पर्वतों का तापमान, वो बहुत कम होता है। सो इट इज कोल्ड हैबिटेट। ये एक ठंडा वास स्थल होता है। ऑन द माउंटेन्स द ऑक्सीजन इज ऑल्सो स्कार्स एंड द सन इज वेरी हॉर्स।
पर्वतों पर ऑक्सीजन की कमी होती है और सूर्य जो होता है वो बहुत तेजी से चमकता है। ऑन द हाइएस्ट पीक्स द इन्वायरमेंट डज नॉट सपोर्ट लाइफ, ऐसे पर्वतों की चोटी पर जीने के लिए वातावरण नहीं होता। सो एनिमल्स लाइक ब्लैक बियर, म्यूल, डियर, बिग हॉर्न शीप, कॉयट, रेकोन लिव इन द लोअर पार्ट ऑफ द माउंटेन्स, इसलिए ये सभी जानवर जैसे कि भालू, खच्चर, हिरन, बिग हॉर्न शीप, भेड़े, कोयोट और रैकून पर्वतों के लोअर पार्ट होते हैं, निचले हिस्से, जीने के लिए निचले हिस्से में रहते हैं। ओके, ये इतना लेसन आपको रीड करना है, समझना है, नेक्स्ट हम कल करेंगे।